Hello, it's 8 o'clock and you're watching India Now. It's a wintry January morning. And for Lucknowites viewers, there's nothing better than sipping on some warm cardamom tea and enjoying some bun makhan from Sharma Ji Ki Chai, one of the oldest and most famous tea shops of Lucknow. So now, while the city goes to the polls in less than 15 days, let me tell you something interesting about this 500 square feet shop. This shop has the potential of making or breaking elections. The people here have the capacity to determine the fate of political parties. So now let's enjoy some tea and see what is the mood of the city. आपका मानना है क्या इस समय यूपी में क्या चुनाव का क्या रहेगा मूड और किसकी सरकार आएगी? देखिए, ये जो सरकार है, इस सरकार को तो ज्यादातर लोगों ने मन बना लिया इनको हटाने का, क्योंकि जो हम लोग को ना चिकित्सा व्यवस्था दे सकी, ना हमको स्वास्थ्य सेवाएं दे सकी, ना हमको पूरे लोगों को शिक्षा का हाल क्या है, जहाँ पे आप बताएं जो इंटर के बाद के जितने कोर्स होते हैं डिग्री कोर्सेज, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी 8-10 गुना फीस बढ़ गई है। आप लोग छात्र हो जानते होंगे, हम बताएं, मैं नर्सिंग संवर्ग से हूँ, बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे 1200 रुपये फीस लगती थी, आज 12000 हो गया है यही अटल बिहारी विश्वविद्यालय बनने से। आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो? पहले भी हमको डिग्री मिलती थी, वही डिग्री आज भी मिल रही थी, 12000 किस बात का? हमारे समझ में नहीं आ रहा। पेट्रोल डीजल बिजली का, शिक्षा की आपने बात करी, तो शिक्षा तो ये सरकार कहती है कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा के लिए बहुत इन्होंने यानी कंट्रीब्यूट किया है, तो शिक्षा, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई बहुत बदलाव नहीं आया है शिक्षा में। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि हमको डिग्री से मतलब है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री कानपुर विश्वविद्यालय देता था तो हमारी 6 महीने की फीस 1200 लगती थी, आज 12000 क्यों लग रही है? आप MBBS में उठा के देख लो, इंजीनियरिंग में उठा के देख लो, कहाँ फीस का गुना हो गया है, तो क्या है इसका मतलब? आप कुल मिला के किसकी सरकार आप कह रहे हैं आएगी? हम इस सरकार को हटाएंगे, अब किसकी आएगी ये आप हमसे बेहतर जानते होंगे। आपका क्या मानना है, क्या चुनाव में इस समय क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? तो सिर्फ दो ही पार्टी का नाम ले रहे हैं, एक बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की, और BSP और कांग्रेस तो कहीं नंबरों में नहीं है। और रही बात जनता की, ये 2022 10 मार्च तय करेगा कि किसकी सरकार बनना है, किसका काम गलत, किसका काम सही। मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या है? मुद्दे ये हैं कि सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं मोदी जी, अच्छी बात है और सारी योजनाओं में सबको लाभ मिला, मगर कुछ भ्रष्टाचारी बढ़ी है। मैंने अभी एक सर्वे किया, भ्रष्टाचारी बढ़ी है, हाँ, मैंने एक सर्वे किया है डूडा में, और जिन्होंने छोटे छोटे प्लाट थे, गरीब लोग थे, उन्होंने मकान के लिए अप्लाई किया था, मतलब बनाने के लिए अप्लाई किया था, तो लेखपाल जो जितने भी हैं लखनऊ के अंदर, जितने लेखपाल बैठे हैं, उसमें एक एक आदमी अलग से एक्स्ट्रा गांव से बुला के प्राइवेट रखा हुआ है, वो धन उगाही और उसूली का काम करते हैं। मेरी इसी मामले में SDM लखनऊ से भी, सदर से भी बात हुई थी, मैंने कहा जो प्लाट गरीब लोगों का जो मिलता है वो उनके पर्सनल पे जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं 2.5 लाख तुम्हें तभी मिलेंगे जब मेरी रिपोर्ट लगेगी। वो 25,000 रुपये का डिमांड करते हैं, 15,000 का डिमांड करते हैं, जो गरीब आदमी दे नहीं पाता है उसको वो अपात्र कर देते हैं, जो पैसे देता है उसको वो पात्र कर देते हैं। और एक कड़ी में मैं बताऊं, जो आसरा मकान जो कॉलोनी है, मैंने वहां सर्वे किया और देखा वहां, ये देखा जो इनोवा गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां वो रह रहे हैं, जो गरीब आदमी है उनको नहीं मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा। आपका नाम बताइए पहले। जितेंद्र यादव, देवरिया से। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आए दिन आप देख लीजिए, यही पटना में और यूपी में जो UPTC का परीक्षा था, उसमें छात्रों को लाठी से, डंडों से पुलिस बेरहमी की तरह पीटा है, और इस बार युवा सरकार को बदलने जा रहे हैं और योगी मठ में जाएंगे इस बार। अखिलेश की सरकार आ रही है, अखिलेश की सरकार आ रही है, अखिलेश की सरकार आ रही है। ऐसा ही इन्होंने लॉकडाउन किया कि जो बॉम्बे में, दिल्ली में रहते थे, वो पापा कहते थे मुझे पापा बचा लो, राशन नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चा पैदल चल दिया और चलते चलते मर गया, कितने माँ बाप माताओं बहनों के कोख से बच्चा हो गया। लेकिन इस बेशर्म सरकार को दर्द नहीं हुआ, ये बेशर्म सरकार है, केवल युवाओं पे, बेरोजगारों पे ये धा रही है और लाठियों से पिटवा रही है।
युवा इस समय जान गए हैं इसके चुगलेबाजी को और युवा एकदम तैयार हैं इस सरकार को हटाने जा रहे हैं। इस तो कौन है इसका अल्टरनेटिव, किसकी सरकार? आप कह रहे हैं एसपी की सरकार आएगी। अखिलेश जी आ रहे हैं इस बार, एकदम आ रहे हैं। चलिए, अखिलेश जी पूर्ण बहुमत पे 300 प्लस होंगे। थोड़ा बताएंगे क्या मुद्दे हैं इस बार, सरकार किसकी आ रही है और क्या आपको लग रहा है मुद्दे क्या हैं मेन इलेक्शन के इस बार? कोई ऐसे खास मुद्दे नहीं है और मुद्दे तो केवल विपक्ष के पास हैं और बाकी योगी जी आ रहे हैं फुल फ्लेज मेजोरिटी में। योगी जी आ रहे हैं, क्या क्या आपको लगता है क्या क्या कमियाँ रही हैं सरकार की और क्या क्या इन्होंने अचीव किया उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए अचीवमेंट भी हैं और थोड़ी बहुत कोई जो कार्यकर्ता कमियाँ तो रही जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि इस टर्म में जो कमियां रह गई थी वो कमियां दूर होंगी। लेकिन आप पूर्ण बहुमत से, आप कह रहे हैं योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और विपक्ष जो कह रहा है कि नहीं इस बार जो है अखिलेश की सरकार आएगी और मोदी जी जो है जी। तो 10 तारीख को पता चलेगा, विपक्ष अपना दावा कर रहा है लेकिन हम तो जनता है, हम तो ना तो पक्ष है ना विपक्ष है, हम तो जो सीन समाज में देख रहे हैं हम तो आपसे वो बता रहे हैं। आप कहाँ वोट डालते हैं? मैं लखनऊ में डालता हूँ। कौन आपके कैंडिडेट है? मेरे यहाँ डॉक्टर नीरज बोरा है। अच्छा, बीजेपी के हैं। उन्होंने काम किया इस बार? खूब काम किया। क्या क्या मतलब विकास हुआ इस बार? देखिए सर्वांगीण काम किया उन्होंने समाज के लिए, जो एक विधायक को करना चाहिए और एक जो विधायक का दायित्व होता है, 5 वर्ष उन्होंने जो विधायक का दायित्व और सामाजिक दायित्व पूरे दायित्व निभाए उन्होंने। और कोविड में आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड में सरकार, बहुत लोग कह रहे हैं कि ठीक से जिम्मेदारी नहीं ली कोविड के समय, आपको क्या लगा कोविड के? नहीं आप बताइए आपको क्या है? सरकार ने पूरे इंडिया के केस के मुकाबले में आप यूपी के केस देख लीजिए और योगी जी ने डे नाइट 20-20 घंटे जो है कार्य किया है कोविड के टाइम में, रातों दिन अस्पतालों में जाना, पूरी फिगर्स लेना, सारी दुनिया ने देखा है। So what do you think are his achievements by and large? Please have your feedback. He has made the society crime free. Okay. That is his biggest achievement. Right. So I want him back again. Okay. So do you think the earlier governments weren't able to achieve that? Not at all. Okay. So this is the first time that you are seeing that there is no hooliganism in politics. Yes. मेरा भी मानना ये है कि जिस जो जैसा पहले का एटमॉस्फेयर था उसमें काफ़ी चेंज आया है। लोगों के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ी है, पीसफुल काफ़ी हुआ है एटमॉस्फेयर और माफियागिरी पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है। उन सब चीज़ों को देखते हुए डेवलपमेंट भी हो रहे हैं सब तरफ। रोडों का पहले बहुत बुरा हाल था इन द पीरियड ऑफ सपा गवर्नमेंट, कोई भी रोड आई थिंक वॉज नॉट वेल, सारे काम केवल पेपर्स पे हो रहे थे। अब आप पूरे यूपी में कहीं भी जाइए आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी रोड के मामले में। रोड हाईवेज और हाईवेज वगैरह बहुत अच्छी हो गई। इवन हाईवेज तो चलो ठीक है, नेशनल हाईवे वो नेशनल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है लेकिन यूपी गवर्नमेंट की जो रोड्स हैं वो भी वेरी गुड विद इन द सिटीज आउटर सिटीज इंटर सिटीज रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं, जो कि सच पूछिए कि डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कारण है। पहले हम लोग यहाँ से दिल्ली जाने के लिए सोचते थे 6 घंटा लगता है, अब बाय रोड और बाय फ्लाइट जाने से अच्छा बाय रोड लोग जाना चाहते हैं। तो ट्रेनों को भी लोग प्रेफर कम करते हैं इवन अगर थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो। हाँ। तो बाय एंड लार्ज आपको लग रहा है कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोडवेज बेटर है और धार्मिक स्थलों की भी बहुत अच्छी स्थितियां हो गई हैं। कहीं भी आप जाइए गंदगी नहीं मिलती है, मंदिरों का भी बहुत अच्छा निर्माण कर दिया हर तरफ, सारे धर्मों को उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, कुल मिला के बहुत अच्छा है। Well, while other news channels have arbitrary political analysts talking about dry trends, here we were giving you the real exit polls from UP. Well, how the mood of the city reflects in the election results remains to be seen. Well, stay tuned for more political coverage from the most remote areas of Uttar Pradesh. This was Vedant for India Now.